बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से खोए की रेसिपी देने लगे हैं कि दूध से खोया किस तरीके से तैयार आप कर सकते हैं। बहुत अरसे से कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी खवातीन की, भाइयों की, कि आपने बड़े पैमाने पे 30 किलो का पहले मैंने कमर्शियल लेवल पे किस तरीके से खोया तैयार होता है कढ़ाई में, उसकी रेसिपी आपको दी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी आ जाएगा। लेकिन छोटे पैमाने पर घर में खवातीन किस तरीके से तैयार कर सकती हैं या छोटे कारोबारी लोग किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मिठाई के आइटमों की तरफ आने लगे हैं। बेसिक जो उसकी चीज़ है वो खोया है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये रहे व्यूअर, इसके साथ का एक पैन ले लें। लेकिन उससे पहले जो घर में चूल्हे हैं, कमर्शियल नहीं, जो घर वाले चूल्हे हैं, उसका फ्लेम हाई रहेगा। ये देखें, ये हाई फ्लेम पे हमारा खोया तैयार होगा। अगर इसका फ्लेम कम करने की कोशिश करेंगे तो आपका खोया रेड की तरफ चला जाएगा, व्हाइट नहीं रहेगा। ठीक है, ये टिप्स मैंने आपको बता दी। ये पैन को उठाएं, इस पर रख दें। 2 लीटर मेरे पास दूध है, ये इसके अंदर शामिल कर दें। इस तरीके से छोटे पैमाने पे आपको बताने लगा हूँ, कोई सा दूध भी आप ले सकते हैं। और एक चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहें। इसका सारा फंक्शन हिलाने का है, जिस तरह के पहली वाली रेसिपी में मैंने आपको बताया। तकरीबन इसको तैयारे में 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब इसको बॉयल आ जाए और इसको हिलाना नहीं छोड़ना आपने, ये बात आपके जहन में रहे। या आपके पास नॉनस्टिक पैन होना चाहिए, अगर नॉनस्टिक पैन नहीं है, किसी स्टील की या लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो खुरपी से बनेगा, और उसको हिलाना नहीं छोड़िएगा आप। अब कैमरामैन जो है वो आपको क्लिप दिखाता रहेगा सेंटर में। ये ले, 20 से 22 मिनट लगे हैं, इस कंडीशन में आ गया है। फ्लेम को बंद कर दें। इससे ज्यादा आपने थिकनेस की तरफ लेके नहीं जाना, फिर खोया आपका अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी थिक होना है। ठीक हो गया। अब ये इसको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये ले जी, इसको डिश आउट करने लगे हैं। अगर आप इसको ज्यादा थिकनेस की तरफ लेके जाएंगे, ये घी भी छोड़ देगा और इसके अंदर गुठली बननी शुरू हो जाएगी, ये बात आपके जहन में रहे। अच्छे तरीके से साफ कर लें इसको, और ये ठंडा होने के बाद भी फिर खुद अपनी असल हालत में आ जाएगा। मुकम्मल गाइड कर दिया, खोया किस तरीके से तैयार होता है, आपको टिप्स भी दे दी। इस तरीके से आप बनाइएगा, क्योंकि मिठाई के आइटम मैं देने वाला हूँ उसमें ये इस्तेमाल होगा। अगर आपको हमारी ये खोए की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, शेयर किया करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।